मेरे चैनल पे आपका खूब खूब स्वागत है। तिरंगे के तीनों रंग मिलकर हमें भाईचारे का संदेश देते हैं, तो इसलिए आज हम बनाएंगे ट्राइकलर कपकेक रेसिपी। इस रेसिपी को हम बनाएंगे बिना कुक किए, यानी कि ना तो हम माइक्रोवेव का यूज़ करेंगे और ना ही हम किसी फ्लेम का यूज़ करेंगे। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, जो मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो इसी के साथ आज की वीडियो को हम शुरू करते हैं। तिरंगा कपकेक बनाने के लिए ये मैंने 4 ब्रेड के स्लाइस लिए हैं। अब हम इन्हें कट करेंगे। ये मैंने सर्कल शेप में एक कटर लिया है, इससे हम सर्कल शेप में ब्रेड को कट करेंगे। इस तरह से कटर को ब्रेड के ऊपर रखकर हम इसे सर्कल निकालेंगे। कटर को ब्रेड के ऊपर रखेंगे और इस तरह से गोल गोल घुमाते हुए हम एक सर्कल शेप निकाल लेंगे। इसी तरह से दूसरा ब्रेड स्लाइस लेंगे और इसी प्रकार से इसका भी एक हम सर्कल निकाल लेंगे। इसी तरह से हम दूसरी सभी ब्रेड के भी सर्कल निकाल लेंगे। इस तरह से मैंने चारों सर्कल निकाल लिए। यहाँ पर हमारा फर्स्ट स्टेप कंप्लीट होता है। अब हम आगे का स्टेप शुरू करते हैं। अब हम बनाएंगे एक शुगर सिरप। इसके लिए 1 टेबलस्पून हम लेंगे गर्म पानी और इसमें 1 टीस्पून हम डालेंगे चीनी और इन दोनों को अच्छे से हम मिक्स करेंगे और इस तरह से हम एक शुगर सिरप बना लेंगे। फ्रूट में हम लेंगे 2 कीवी, जिसे मैंने छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया। ये कीवी मीठे होने चाहिए। और इसी के साथ लेंगे हम चेरी। ये चेरी मैंने 1 कप चेरी ली है, इसे भी मैंने छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया। और हम लेंगे व्हिप क्रीम, जिसे मैंने पाइपिंग बैग में भर लिया। अब हम कपकेक बनाना शुरू करते हैं। कपकेक बनाने के लिए हम कांच के 2 कप लेंगे और सबसे पहले हम एक लेयर कीवी की लगाएंगे। दूसरे कप में भी हम इसी तरह से कीवी की एक लेयर बना देंगे। इस तरह से हमने कीवी से बनाया है तिरंगे का ग्रीन कलर। अब लेंगे ब्रेड का सर्कल और इस कीवी के ऊपर हम इस सर्कल को रख देंगे और एक स्पून की सहायता से इसे हम अच्छे से सेट कर देंगे। इस सर्कल के ऊपर अब हम डालेंगे शुगर सिरप। शुगर सिरप से इस पूरे सर्कल को हम कवर कर देंगे। शुगर सिरप के ऊपर एक लेयर हम क्रीम की बनाएंगे और इस तरह से हम क्रीम से इसे फुल कर देंगे। और एक स्पून की सहायता से इस क्रीम को हम सेट करेंगे। स्पून की सहायता से हम इसके लेवल को एक बराबर कर देंगे। अब फिर से एक ब्रेड का सर्कल लेंगे और इसके ऊपर शुगर सिरप डालेंगे। जिस साइड हमने शुगर सिरप लगाया है उस साइड को हम क्रीम के ऊपर रख देंगे। इसी तरह से हम एक स्लाइस और लेंगे और दूसरे कप में भी हम इसी तरह से इसे लगा देंगे। इस तरह से हमने ये बनाया है तिरंगे का वाइट कलर। और इस स्लाइस के ऊपर फिर से शुगर सिरप लगाएंगे। इन दोनों को अच्छे से शुगर सिरप से कवर कर लेंगे। इस ब्रेड स्लाइस के ऊपर फिर से हम व्हिप क्रीम की एक लेयर बना देंगे। दूसरे कप में भी इसी तरह से हम क्रीम से एक लेयर बना देंगे और स्पून की सहायता से इस क्रीम को हम अच्छे से सेट करेंगे और इनका लेवल एक समान हम कर देंगे। अब हम बनाएंगे तिरंगे का सैफ्रन कलर। सैफ्रन कलर के लिए हम लेंगे चेरी और इस चेरी से हम इसके ऊपर एक लेयर बना देंगे। इस चेरी से हम कप को फुल कर देंगे और इस चेरी को हम एक स्पून की सहायता से सेट कर देंगे। इस तरह से हमने चेरी से बनाया है तिरंगे का सैफ्रन कलर। गार्निश के लिए इन चेरी के बीच में हम एक छोटा सा होल बनाएंगे। स्पून की सहायता से हम इस तरह से एक होल बना लेंगे और इस होल में हम भरेंगे व्हिप क्रीम। इस तरह से व्हिप क्रीम से हम इसकी गार्निश करेंगे। मेरे चैनल पर मैंने तिरंगा खमन ढोकला की रेसिपी भी शेयर की है, जिसका लिंक आपको प्राइवेट बटन में दिख जाएगा, वहां से आप उसे देख सकते हैं। तो लीजिए, रेडी है हमारा तिरंगा फ्रूट कपकेक, जिसमें ब्यूटी भी है और टेस्ट भी है। तिरंगे के ये तीनों रंग मिलकर हमें देते हैं भाईचारे का संदेश। तिरंगे में मौजूद केसरिया रंग साहस और बलिदान का प्रतीक है। सफ़ेद रंग सच्चाई, शांति और पवित्रता की निशानी है और हरा रंग है संपन्नता का प्रतीक। तीनों रंग मिलकर हमें देते हैं भाईचारे का संदेश।
यदि ये वीडियो आपको थोड़ी सी भी यूजफुल लगी है तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। और जो मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इसी के साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली न्यू वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो इसी के साथ मिलते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में। कीप स्माइलिंग, स्टे हेल्दी।